हेलो दोस्तों, मैं हूं अमित। स्वागत करता हूं आप सभी का आपके इस यूट्यूब चैनल नॉलेज नोर में। दोस्तों, मेरे कई सारे व्यूअर ने यह जानना चाहा है कि ट्रेन में चेन पुलिंग होने पर यह कैसे पता चलता है कि किस कोच से चेन खींची गई है और उसे कैसे ठीक किया जाता है। तो आज के वीडियो में हम इसी के बारे में डिस्कस करेंगे और जानेंगे कि चेन पुलिंग होने पर रेल कर्मचारी उस डब्बे का पता कैसे लगाते हैं। दोस्तों, इस वीडियो को देखने के बाद आप भी बड़े आसानी से यह जान सकते हैं कि चेन किस डब्बे से खींची गई है और उसे आप ठीक भी कर सकते हैं। तो चलिए जानते हैं इस इंटरेस्टिंग चीज को। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता होगा, ट्रेन में ब्रेकिंग प्रक्रिया के लिए लोकोमोटिव से लास्ट कोच तक दो पाइप जुड़े रहते हैं, जिसमें 5.6 केजी का एयर का प्रेशर रहता है। अगर इस प्रेशर को रिलीज कर दिया जाए तब ट्रेन में ब्रेक अप्लाई हो जाती है और ट्रेन रुक जाती है। दोस्तों, ट्रेन के कोच में लगा यह चेन पुलिंग एक पतले तार के माध्यम से इस पाइप में लगे वॉल्व से जुड़ा रहता है। जैसे ही कोई चेन खींचेगा, यह वॉल्व ऑपरेट हो जाता है और इससे हवा तेजी से बाहर निकलने लगती है, जिससे लोको पायलट को यह पता चल जाता है कि ट्रेन में किसी ने चेन पुलिंग की है। तब वह तीन लगातार सीटी बजाते हैं, जिससे आरपीएफ और गार्ड को यह पता चलता है कि ट्रेन में चेन पुलिंग की गई है। तब वह उस कोच तक पहुंचते हैं। दोस्तों, इसकी पहचान करने के दो तरीके हैं। पहला कि उस कोच के वाल्व के पास से तेजी से हवा बाहर निकल रही होगी, और दूसरा ये जो वाल्व है वह घूमकर नीचे की ओर चला जाएगा, जिससे यह पता चलता है कि इसी कोच से चेन पुलिंग की गई है। दोस्तों, इस वाल्व को पुनः ठीक करने के लिए यहाँ आप नीचे लगा तार का हैंडल को देख सकते हैं। इसे नीचे खींचने से यह वाल्व अपनी नॉर्मल पोजीशन में यानी कि ऊपर की ओर चली जाती है, जिससे पाइप से हवा का निकलना बंद हो जाता है और फिर पुनः 5.6 केजी का प्रेशर मेंटेन होने के बाद ट्रेन चलने को तैयार हो जाती है। दोस्तों, उम्मीद करते हैं रेलवे के चेन पुलिंग से जुड़ी ये जानकारी आपको जरूर पसंद आई होगी। अगर आई है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर से प्रेस कर दीजिए। आज के इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।